हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जिसके अंदर हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं आज का जो टॉपिक है वो है प्राइसिंग टॉपिक के अंदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी जो है कैसे डिसाइड करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट वो बना रहा है या सेल कर रहा है उसका प्राइस कितना रखना है क्या स्ट्रेटजी होता है उसके पीछे और कैसे डिसाइड किया जाता है क्योंकि कुछ लोग महंगा बेच रहे हैं कोई कंपनी सस्ता बेच रहा है कोई कंपनी डिस्काउंट्स दे रहा है तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्ट्रेटजी है प्राइस को लेकर आज के वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे समझने का कि ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी होता क्या है और कैसे कंपनी सिलेक्ट करता है अपना प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो so चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं देखना तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रेफर्स टू तो द तो मेथड्स कंपनी यूज टू तो प्राइस देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेंसेस और ये सब बातें उसको बनाने में कितना रुपए लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं ठीक है था था? दे एड टू अर्टन परसेंटेज सो दैट दे कैन मेक अ प्रॉफिट ऑब्वियसली जितना रुपया में खर्च जितना रुपया खर्चा हो रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर हम सेल करेंगे एंड नेक्स्ट देर आर सेवरल डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज दो फुलफिल देअर ऑब्जेक्टिव सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और क्या होता है और कौन सी कंपनी कौन सा टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है ठीक है पहला हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है देखेंगे भी उसका एग्जाम्पल देखेंगे ठीक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वे द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियली सेट एट अ लो तो स्टार्टिंग में कम रखा जाता है प्राइस और बाद में जब लोगों को उसका आदत हो जाएगा तब उसका प्राइस को इंक्रीज करेंगे टू रैपिडली रीच अ वाइड फ्रैक्शन ऑफ मार्केट

कंपनी लाइक मैगी मैगीव यूज पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी जहां पर मैगी इनिशियली पांच रुपए का दस रुपए का पैकेट लाता था वो तो अभी भी चलो लाता है रीजन क्या है मार्केट में इंटर करना लोगों को मैगी का आदत डलवाना उसके बाद तो लोग महंगा मैगी भी परचेज करके जरूर खाएंगे ठीक है सेकेंड स्ट्रेटेजी है स्कीमिंग प्राइसिंग स्कीमिंग क्या होता है देखते हैं प्राइस स्कीमिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच Marketer sets a relatively high initial price. Starting my price, high rakta hai company for a product or service at first, then lowers the price over time. It is a temporal version of price discrimination, or yield management. It allows the firm to recover its sunk cost quickly before competition steps into the लोअर्स एंड स्टेप्स इनटू एंड ए लोअर्स द मार्केट प्राइस तो जब प्रोडक्ट नया नया होता है और उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं प्राइस को बहुत हाई रखते हैं तो इन ऑर्डर टू रिकवर ऑल द कॉस्ट फिर जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है वो धीरे धीरे प्राइस को ड्रॉप करते जाते हैं ये टेक्निक को बोलते हैं स्कीमिंग जो मोबाइल फोन्स में जनरली यूज़ किया जाता है जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है तो महंगा होता है मोबाइल और बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फोन थोड़ा थोड़ा सस्ता करते रहते हैं ठीक है थर्ड है कॉम्पिटिशन प्राइसिंग नाम से पता चल रहा है एक कंपनी के हिसाब से दूसरी कंपनी का प्राइस को चेंज करना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रेटेजिक प्राइस पॉइंट टू टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेशन कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अगर हम प्राइस सेट कर रहे हैं हमारा कॉम्पिटिटर्स कितना में सेल करता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिशन प्राइसिंग जैसे एग्जाम्पल है टोयोटा एंड फोर्ड, ऑलमोस्ट अगर सेम टाइप का गाड़ी का रेंज है एक ही टाइप का गाड़ी है दोनों का तो टोयोटा का प्राइस जितना होगा फोर्ड भी कोशिश करेगा प्राइस उतना ही रखने का और एल्स क्या होगा फोर्ड का जो गाड़ी है वो वाला वो सेल नहीं होगा कस्टमर जो है टोयोटा का गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे ओवर द कार ऑफ द फोर्ड क्लियर है तो so, ये होता है कंपटीशन प्राइसिंग जहां पर एक कंपनी के प्रोडक्ट को देखकर दूसरा कंपनी प्राइस डिसाइड करता है नेक्स्ट होता है इकोनॉमी प्राइसिंग इकोनॉमी प्राइसिंग ना दैल्युएशन विच अ लो प्राइस कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम रहता है इकोनॉमिक प्राइसिंग वाइडली एंड प्रोडक्शन टू ब्रांड के नाम से ना बेच के उसको जेनरिक के नाम से नॉन ब्रांडेड के नाम से बेचकर हम प्राइस को कम रखते हैं प्राइस कम रहेगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट का डिमांड करेगा इसको बोलते हैं इकोनॉमी प्राइसिंग जनरली यूज होता है फूड, फूड या फिर मेडिसिन में भी यूज होता है मेडिसिन भी जेनरिक मेडिसिन आता है जहाँ पे सेम कॉम्पोजिशन रहेगा लेकिन उसका जो कोई ब्रांड नहीं रहेगा उसके ऊपर उसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन और वो रिलेटिवली कम चार्ज कम प्राइस का होता है एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन ठीक है नेक्स्ट बंडल प्राइसिंग ये तो तुम जानते ही होगे ये लोगे तो साथ में ये ले लो ये ले लो मिल ठीक है डोमिनोज में गए होगे या मैगडी में गए होगे तो बर्गर लोगे कोक लोगे बोलेगा सर दस पे ऐड करो फ्राइज भी ले लो तो इसको बोलते हैं बेसिकली बंडल प्राइसिंग मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना बंडल प्राइसिंग इन प्राइसिंग कंपनी सेल अ पैकेज और सेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ लोअर प्राइस देन इफ द कस्टमर बॉट ऑल ऑफ सेपरेटली बर्गर लोगे सौ का कोल्ड ड्रिंक लोगे सौ का फ्राइज लोगे पचास का लेकिन तीनों एक साथ अगर लोगे तो वन सेवेंटी में मिलेगा तो दो सौ पचास की जगह वन सेवेंटी में मिलेगा इसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड ऑप्शन पैकेजेस और न्यू कार्स वैल्यू मील्स एट रेस्टोरेंट एंड केबल टीवी चैनल प्लान ठीक है नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है बेसिकली लास्ट में जैसे नाइन 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 रहना ऐसे यूनिक नंबर्स रहना जैसे नौ हजार नौ सौ निन्यानवे है तो वह पहला इंस्टेंस में पढ़ के लगता है नौ हजार का प्रोडक्ट है लेकिन जबकि वो रियलिटी में कितने का है दस हजार का है एक रुपया कम है खाली लेकिन पढ़ के ऐसा लगता है एक बार कि नौ हजार समथिंग है वो समथिंग बहुत ज्यादा है सिर्फ एक रुपया कम है दस हजार से ये है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ठीक है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग चारिंग इज अ प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन प्राइसेस हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रिटेल प्राइस ऑफ एन एक्सप्रेस ऑन ऑड प्राइसिसन राउंड नंबर राउंड नंबर थोड़ा कम रहता है एटी नाइन रुपीज है तो हमको एटी रुपीज कुछ है लगेगा साइकोलॉजी है लेकिन रियलिटी में नब्बे रुपए का है वो एक रुपया खाली कम है ठीक है 90 लिखेगा अगर तो साइकोलॉजी अलग होगा एटी नाइन लिखेगा तो अलग होगा एक रुपया का फर्क है लेकिन साइकोलॉजी का बहुत फर्क है एटी नाइन लिखने से एटी रुपीज ऐसा लगता है पढ़ के और नाइनटी लिखने से नब्बे रुपया का है लगता है तो फर्क है वहां पे ऑलमोस्ट साइकोलॉजी का दिमाग से सोचोगे तो एक रुपया का फर्क है लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब सोचोगे ना तो ऐसे लगेगा दस रुपया के आसपास का कुछ अंतर है या एटी कुछ है या नाइन्टी कुछ है ठीक है क्लियर है ये

ज्यादा प्राइस हम चार्ज करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से भी ज्यादा प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं इसको इमेज प्राइसिंग या प्रेस्टीज प्राइसिंग भी बोला जाता है नेक्स्ट आता है वन प्राइस ओनली, मतलब सब प्रोडक्ट का प्राइस जो है सेम रखना इसको बोलते हैं वन प्राइस अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेम प्राइस इज ऑफर टू एवरी कस्टमर हु परचेज द प्रोडक्ट अंडर द सेम कंडीशन A one price policy may also mean that prices are set and cannot be negotiated by customers. Okay. Discounting pricing. Discounting it discounts. This is called a discounting pricing. The valuation approach where items are sometimes initially marked up artificially but are offered for sale at what seems to be reduced cost to the consumer. For example, retail shop business might offer discount price on all of its apparel

इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइसिंग दैट चार्जेस कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन क्राइटेरिया इन प्योर रिस्क, इट इज इन प्योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द सेलर और प्रोवाइडर विल चार्ज इच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे क्लियर है नेक्स्ट प्रमोशनल प्राइसिंग जब प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होता है तो हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको बोलते हैं प्रमोशनल इन फॉर अ शॉर्ट टर्म अभी एक बार के लिए प्रोडक्ट का प्राइस कम करना ताकि एक बार जो है डिमांड बढ़े प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग फीचर्स के नाम पे प्रीमियम प्राइस पे चार्ज करना जैसे एप्पल का फोन बत्तीस जी वाला इतना रेट सिक्सटी फोर जी होगा थोड़ा ज्यादा होगा एक सौ में थोड़ा और ज्यादा होगा एक ही प्रोडक्ट है आईफोन लेकिन अलग अलग जो फीचर्स के हिसाब से प्राइस को चार्ज करना डेट इज कॉल्ड एज बेसिकली प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड अ ग्रेट इफेक्ट ऑनरजीज सक्सेसफुल और नॉट प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द सेम रेंज एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट ऑन फीचर और समझ में आ रहा है एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग फीचर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल करना दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग दिस इज ऑल अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज इन द मार्केट बारह प्रकार का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम पढ़े अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल माना गया है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ द गुड्स दैट वी आर सेलिंग ठीक है चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं होप करता हूँ वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक प्राइसिंग ठीक है Thank you and bye.